गाइज, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आईपैड के अंदर जो व्हाट्सएप है उसे कैसे यूज करना है व्हाट्सएप वेब के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक मैंने बताई थी ये काफ़ी लोगों पे वर्क की बहुत ही तगड़े से, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट है कि ये कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर दे रही है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जो वो प्रॉब्लम्स हो रही है वो ये प्रॉब्लम है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, एंड ये क्यों शो होती है और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं यही आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में जो मैंने ट्रिक बताई थी वो कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं बना के बताया था, ये व्हाट्सएप की तरफ से ऑफिशियल है जो कि आपको ये व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती है जब आप अपने आईपैड के अंदर व्हाट्सएप को यूज करते हो, आपको ऐसा पॉपअप दिखता है। एंड गाइज, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसी पॉपअप में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप नीचे देख सकते हो इसमें लिखा है मेक श्योर योर फोन हैज एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। सो ये खुद कह रहा है कि आपके जो रियल व्हाट्सएप है आपके जिस भी स्मार्टफोन में पड़ा हुआ है, आप पहले निश्चिंत कर ले कि मतलब वो मोबाइल आपका नेट कनेक्शन ऑन है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर वो उसका नेट ऑफ है तो आप इसमें भी व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते हो। सो अगर आपके घर पे वाईफाई है एंड आप अपने आईपैड को वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो गाइज आपको अपने मोबाइल के अंदर भी जो है वाईफाई कनेक्शन देना होगा, मतलब उसको नेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें एक पॉपअप आता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब उसमें बस पॉपअप में यही लिखा होता है कि आपके मोबाइल का जो व्हाट्सएप है वो माइकोएस में यूज हो रहा है, एंड ये पॉपअप जब तक आपके स्मार्टफोन पर नहीं आएगा जब तक कि उसका नेट कनेक्शन नहीं ऑन होगा, और जब तक नेट कनेक्शन नहीं आना होगा तब तक आप व्हाट्सएप को आईपैड के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊंगा, ये आप नाराज मत होइए, आपका जो मोबाइल है उसमें आपको नेट कनेक्शन देना होगा, जब तक नेट कनेक्शन ऑन नहीं होगा जब तक आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे। एंड गाइज, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर जैसे ही मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का जो नेट है वो ऑन किया, उसमें नेट मैंने दिया, तो ये मेरा व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिसॉल्व हो गई। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये अपने आप से आ गया, मतलब चल गया व्हाट्सएप। सो यही इसका सोल्यूशन है गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।